छक्का, तारीख में पहली बार छठा बजट पेश करने जा रही है। हजम 5,500 अरब रुपए से जायद, 1,870 अरब रुपए का खसारा। तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। मुख्तलिफ अशिया पर 220 अरब रुपए की सब्सिडी। टैक्स आमदन का हदफ 4,500 अरब मुकर्रर। ज़िराअत पर 1,010 अरब खर्च करने की तजवीज़। अवामी फलाह के मंसूबों पर 1,000 अरब मुख्तस होंगे। कौमी मुहासिल से सूबों को 2,565 अरब देने की सिफारिश। सूद और कर्जों की अदायगी पर 1,550 अरब रुपए खर्च होने का इम्कान। बजट में सालाना 12 लाख रुपए कमाने वालों को टैक्स छूट देने की तजवीज़। 24 लाख से कम आमदन वाले पर 5% टैक्स। खाम माल समेत दीगर 200 दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी का इम्कान। विफाक 930 अरब और निजी शोबा 100 अरब तरक्याती कामों पर लगाएगा। रेलवे पर 39 अरब खर्च होंगे। खसूसी प्रोग्राम नए बजट से आउट। आदादोशुमार दुनिया न्यूज पर। अपोजिशन जमातों ने बजट के दौरान ऐवान में शोर शराबे का प्लान बना लिया। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की क्यादत ने अरकान असेंबली को भरपूर एहतजाज की हिदायत कर दी। इमरान खान इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। के एक और सीनियर प्लेयर को ले डूबा। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ भी ऐवान से खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया। 62(1)(f) के तहत उम्र भर के लिए सियासत से आउट। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। 62 का जो और 63 का हमने नवाज शरीफ से कई बार ये रिक्वेस्ट की कि इसके खात्मे में हमारे साथ तामन करे, पर अनफॉर्चुनेटली उसने तामन नहीं किया। अब वो मानते हैं कि ये गलत था, मुझे तावन करना चाहिए था। आर्टिकल 62 और 63 जिया का काला कानून करार। नवाज शरीफ ने खात्मे के लिए तावन नहीं किया। पार्लियामेंट को अपने फैसले खुद करने चाहिए। खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। हुकूमत से 4 माह का बजट पेश करने का मुतालबा। ये किसने कहा था 2 रोज कबल कि PMLN की एक बहुत बड़ी विकेट जो है वो गिरने वाली है। इसलिए ये मेरा मुतालबा है कि इस बयान को जिस रेफरेंस में जो है वो डाला जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस लें। 2 रोज कबल ही विकेट गिरने का ऐलान। राणा सनाउल्लाह ने चीफ जस्टिस से नोटिस लेने और इमरान खान की तलबी का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ की तरफ से घिनौनी साजिश की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू। अरकान असेंबली की दोहरी शहरियत का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। 3 मई से अदालत लगेगी। दो कराची में दुहाइयां। शारा फैसल मलीर काला बोर्ड पर जमात इस्लामी के कारकुनों ने धरना दे दिया। दोनों ट्रैक बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नॉर्थ कराची और औरंगी टाउन और दिल्ली कॉलोनी में भी मुजाहरे। जिंदगियां नहीं बल्कि मफादात अजीज। पंजाब भर में दूसरे रोज भी मेडिकल स्टोर्स के शटर डाउन। मरीज अदविया के लिए दरबदर। ऑपरेशंस भी मुलतवी होने का खदशा। सेल सेल से लाड़काना में फोटो स्टेट की दुकानों पर इंटर इस्लामियात का पर्चा 120 रुपए में बिकता रहा। इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन का सरेआम इस्तेमाल। We'll be right back.
63 साल बाद तारीखी मंजर, इनकी उनसे मुलाकात। शिमाली कोरिया के सदर ने पैदल सरहद उबूर करके दोस्ती की जानिब कदम बढ़ाया। जनूबी कोरियन हम मनसब ने शानदार इस्तकबाल किया, मेहमान के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया। एयर शो ने रंग बिखेर दिए, तैयारों के शानदार करतब देखने वाले महसूस हुए। ₹500 अरब से जायद होगा और इसमें 1870 अरब खसारे की नजर हो जाएंगे। तनख्वाहों और पेंशन में 10-15% इजाफा मुतवक्के है। माली साल 2018-19 का बजट आज पेश किया जा रहा है, जिसमें कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। 2 से ज्यादा दरामदी खाम पर रेगुलेटरी ड्यूटी में भी कमी हो सकती है। इस्लामाबाद से देखिए शुएब निजामी की रिपोर्ट। हुकूमत छठा बजट पेश करने के लिए तैयार, सरकारी मुलाजमीन की भी जाती हुकूमत से तनख्वाहें बढ़ने की उम्मीदें। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल कौमी असेंबली में बजट तकरीर करेंगे। बजट में टैक्स आमदन का हदफ 4,455 अरब के लगभग, जबकि नॉन टैक्स आमदन का हदफ 1,050 अरब मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। कौमी मासे से सूबों को 2,565 अरब दिए जाने का इम्कान है। दिफाई बजट के लिए 210 अरब और IDPs के लिए 105 अरब मुख्तस किए जा रहे हैं। तनख्वाह और पेंशन में 10-15% इजाफा हो सकता है। सब्सिडीज के लिए 220 अरब रखे जा सकते हैं। आइंदा बजट में सुपर टैक्स बरकरार रखे जाने का इम्कान है। नॉन फाइनेंस पर बजट में मजीद सख्तियाँ हो सकती हैं। मेकअप के सामान समेत कुल 22 अशिया पर रिलीफ का कोई इम्कान नहीं। शुएब निजामी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। शुएब निजामी की रिपोर्ट आपने देखी, वो हमारे साथ मौजूद भी हैं बराह रास्त, उनसे बात करते हैं। शुएब बताइएगा, कुछ तो हमने आपकी रिपोर्ट में जाना कि कितने पैसे किस शोबे को दिए जा रहे हैं, मजीद अभी तक क्या चीजें सामने आ रही हैं? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं प्लानिंग कमीशन के सामने। ये वो जगह है जहाँ पूरे मुल्क के जो तरक्याती प्रोजेक्ट हैं वो मुकब्बो बनाता है। यहाँ से हमें जो ये बजट दस्तावेज़ मिल चुकी है, हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि ये बजट PSGP का आउटले है, PSGP की दस्तावेज़ हैं जो कि दुनिया न्यूज़ को मौसूल हो चुकी हैं और वक्ता फ़वक्ता अपने लोगों को जो इससे मज़ीद आगाह भी करते जाएंगे। इस दस्तावेज़ में ये हमने देखा है कि तकरीबन 2,043 अरब जो है वो आइंदा माली साल जो है वो मुल्क में तरक्याती मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे। फोकस किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हाईवे मोटरवेज के ऊपर। तकरीबन इसमें इसके लिए 575 अरब जो है वो रखे जा रहे हैं। NHO को बड़ा हैवी फंड दिया जा रहा है। इसी तरह तवानाई के लिए फोकस किया जा रहा है, तकरीबन 80 अरब तवानाई के लिए दिए जा रहे हैं। साथ साथ जो पानी के जखायर हैं उनके लिए 65 अरब रखे जा रहे हैं। रेलवे के लिए तकरीबन 39 अरब रखे जा रहे हैं, जबकि जो हायर एजुकेशन है उसके लिए तकरीबन 45 अरब रखे जा रहे हैं। तो फोकस नज़र आता है हुकूमत का तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटरवेज, हायर एजुकेशन और रेलवेज, ये वो तमाम के तमाम। इसी तरह हम देखें जो सूबों के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, गवादर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ये मुकम्मल आउटले है डेवलपमेंट का। अगर हम टैक्सेस की बात करें तो जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए सख्तियाँ बरकरार रहेंगी और जो इजाफी विदहोल्डिंग टैक्स लगता है कैश विड्रॉल के ऊपर वो कायम रहेगा। ये बताया जा रहा है कि सुपर टैक्स जो है पाकिस्तान की ऐसी कंपनीज पर लगाया गया है, ऐसे जिनकी आमदन जो है वो 50 करोड़ से ज़ायद है, उनके ऊपर जो है कुछ सुपर टैक्स में कमी तो हो सकती है। तहम जो हुकूमत ने वादा किया था कि सुपर टैक्स 2 साल के लिए रहेगा, वो वादा इस बजट में पूरा होता नज़र नहीं आता और इस बात का इम्कान है कि सुपर टैक्स कायम रहेगा। सिगरेट और सीमेंट के ऊपर जो है वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का इम्कान है। पान छालियाँ जो है महंगे हो सकते हैं। खवातीन के लिए बुरी खबर यह है कि हुकूमत ने यह कहा था कि रेगुलेटरी ड्यूटी हम सिर्फ एक मखसूस अरसे के लिए लगाएंगे, तहम इसमें जो है कमी नहीं की जा रही। मेकअप का सामान, शैम्पू, इम्पोर्टेड और जो इनकी जो है वो बनाव संगार का सामान है उसके ऊपर ड्यूटी में कमी नहीं की जा रही। जो हुकूमत ने वादा किया था वो वादा पूरा खवातीन के लिए भी नहीं हो रहा और इस बात का इम्कान है कि उनके लिए जो इम्पोर्टेड महंगी चीज़ें हैं वो चूँकि डॉलर बढ़ने से ऑलरेडी महंगी हो चुकी हैं, उनके ऊपर टैक्सेज में भी कमी नहीं होगी। तहम टेक्सटाइल सेक्टर ये कहता है कि कुछ ऐसी अशियाँ हैं जो कि खाम माल हैं और उनके ऊपर जो है RD लगा दी गई है,
اس کے اوپر جو ہے حکومت اس بات کا نظر لگائے گی اس بات کا غور کرے گی کہ ایسی اشیاء جو پاکستان میں ایسی مشینری ایسے ٹائر جو کہ اسپیسیفک پاکستان میں تیار نہیں ہوتے ان کے اوپر جو آر ڈی میں کمی کی جائے تقریباً 150 سے 200 اشیاء ہیں جو کہ امپورٹڈ اشیاء ہیں اور ان کے اوپر جو ہے آر ڈی میں کمی ہو سکتی ہے تاہم سب سے بڑا ریلیف جو ہے وہ جو ہم یہ اس سے پہلے پی ایم کہہ چکے ہیں کہ وہ انکم ٹیکس کے اوپر جو انہوں نے آرڈیننس میں ریلیف دیا تھا 1 لاکھ روپے جس کی ماہانہ آمدن ہوگی یا 12 لاکھ روپے سالانہ اس کو جو ہے وہ انکم ٹیکس سے مستثنا قرار دیا جائے گا اس کا نوٹیفیکیشن بھی اسی فنانس بل میں ہوگا جبکہ جو مزید اس کے ساتھ ساتھ تقریباً یہ فوکس کیا جائے گا جو نان ٹیگ فائلرز ہیں ان کے لیے جو سختیاں کی جائیں اور ناظرہ کے ریکارڈ کے ذریعے جو ہے جو نان فائلر ہیں ان کو کسی طرح جو ہے فائلنگ میں لایا جائے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ شعیب نظامی آپ کا ابھی آپ کو یہ بھی اپڈیٹ دیں کہ مفتا اسماعیل جو کہ مشیر خزانہ ہیں وہ انہوں نے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے صدر مملکت ممنون حسین نے ان سے یہ حلف لیا ہے آج وہ بجٹ پیش کریں گے فلور آف دی ہاؤس پر وہ تقریر کریں گے اور جو تقریب حلف برداری تھی اس میں کابینہ ارکان سمیت اعلیٰ حکام اور سیاسی کارکنوں نے شرکت کی ہے جی ہاں باقاعدہ طور پر اب انہوں نے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھال لیا ہے یہ تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ مشیر کی حیثیت سے اگلا بجٹ کیسے دے سکتے ہیں کیسے بجٹ سپیچ کر سکتے ہیں تو اب یہ جو ایک قدغن تھی اس کو ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے مفتا اسماعیل نے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جماعتوں کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے بھی اپنا پلان ترتیب دے دیا ہے بھرپور شور شرابہ کیا جائے گا ان کی جانب سے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے اپنے اپنے اراکین اسمبلی کو بھرپور احتجاج کی ہدایت کر دی ہے اور اس سلسلے میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی حکمت عملی طے کی جائے گی البتہ آج کے اجلاس سے متعلق اپڈیٹس یہ بھی ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس بجٹ سیشن کا حصہ نہیں ہوں گے آج کے جو کارروائی ہے اس میں وہ شریک نہیں ہوں گے اور تحریک انصاف کے دیگر جو ارکان قومی اسمبلی ہیں وہ آج بھرپور احتجاج کریں گے یہی نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ بھی یہی لائحہ عمل ترتیب دے رہے ہیں کہ آج فلور آف دی ہاؤس پر جب مفتا اسماعیل بجٹ تقریر کر رہے ہوں گے تب یہ تمام ارکان اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے بجٹ خسارہ اور بین الاقوامی ادائیگیوں کا دباؤ سرکار ان دونوں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بجٹ میں کیا حکمت عملی بنا سکتی ہے مفتا اسماعیل یہ کہتے ہیں کہ معیشت کے